प्रभावित इलाके की महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आयोजित इस शिविर में महिलाओं को निःशुल्क में ट्रेनिंग देने के साथ ही खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। पेश एक रिपोर्ट। गया में इन दिनों नक्सल प्रभावित इलाके की महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से इन महिलाओं को सिलाई का मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आरसीटी के निदेशक सुनील कुमार ने बताया कि सिलाई सीखने के लिए महिलाओं के दो बैच बनाए गए हैं। इनके रहने खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में चल रहा है जो कि 30 दिवसीय महिलाएं सिलाई सीख करके स्वरोजगार करेंगी, विभिन्न प्रकार के वस्त्र उत्पाद अपना करेंगी, सिलाई सिखा भी सकती हैं, उससे उनका जीविकोपार्जन होगा। और ये जो महिलाएं हैं जो बीसी सखी का है वो सीएसपी चलाएंगी, भिन्न भिन्न बैंकों का इन लोगों को मिला हुआ है। आईएफबीएफ का जब एग्जाम पास करेंगे तो ये अपना सीएसपी चलाएंगी और अपना इनकम जनरेट करेंगे। प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं ने पीएनबी आरसीटी की इस पहल का स्वागत किया है। वहीं महिला प्रशिक्षक सुमंती देवी ने बताया कि सिलाई सीखने को लेकर बच्चियों और महिलाओं में जुनून है। यहाँ पे आरसीटी का ट्रेनिंग ली जा रही है जिसमें 34 बच्चियां हैं और इन लोग अच्छे से सिलाई सीख रही हैं। कितने दिनों तक प्रशिक्षण दी जाएगी? 30 दिन। केंद्र सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट उन्नति के तहत मनरेगा श्रमिक परिवार की महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर अपने हुनर को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है, जिससे कि ये महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। गया से प्रेम प्रकाश की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।